तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको मोबाइल से ही अपने पासपोर्ट फोटो बना सकते हैं। दोस्तों ना ही आपको लैपटॉप पीसी किसी की ज़रूरत है, ना ही आपको फोटोशॉप चलाना आना आता हो या नहीं आता हो, फिर भी आप आराम से अपना जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना भी सकते हैं। दोस्तों आप प्रिंट आउट भी दे सकते हैं बड़े आराम से, सिंपली। दोस्तों कुछ मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप करेंगे तो ज़रूर जो है ये काम कर पाएंगे। और दोस्तों और एक चीज़ मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, अगर कोई जैसे वीडियो जैसे कोई दोस्तों अगर आपके फ़ोटो में अनवांटेड पार्ट जैसे आ जाता है, जैसे आपको वो पार्ट डिलीट करना है, तो दोस्तों वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका पिक्चर जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो कैसे करेंगे सारा तरीका इसी वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो इसमें आता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका मैं बताऊंगा, उस तरीके को करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि अपने गूगल क्रोम को दोस्तों ओपन कर लेना। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है दोस्तों क्लीन CLEAN क्लीन अप पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये सर्च करके यहाँ पर दोस्तों ऐसा जो आपके सामने यूज़र इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा जो यूज़र इंटरफेस में देखिए यहाँ पर सारा जो डिटेल इन्होंने दे रखा कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए टैप योर लोड योर इमेज, देखिए यहाँ पे हम जो यहाँ पे टैप करेंगे अपना जो इमेज जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जैसे मुझे अगर इस पार्ट में जैसे मुझे ये वाला जो पिक्चर है मुझे डिलीट करना है, ठीक है। अब ट्रायल प्रो 3 डेज फ्री, ठीक है, ये 3 डेज बताता है लेकिन ज़्यादा ही चल जाता है। और दोस्तों हम ये करेंगे सीधा कंटिन्यू विथ SD, ठीक है। हम इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए ये आपके सामने ब्रश आ जाएगा। ब्रश के आइकन में देखिए यहाँ पर हम जैसे सेलेक्ट करेंगे ये वाला पार्ट जैसे हमें डिलीट करना है, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, हम जैसे ये वाला पार्ट जैसे डिलीट करना है दोस्तों, यहाँ पे हम ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ ये वाला पार्ट, करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लीन पे टैप करूँगा, क्लीन के जैसे क्लीन पे टैप करने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए हमारा जो पार्ट है यहाँ से क्लीन हो गया दोस्तों, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट जो क्लीन हो चुका है, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसमें पार्ट जो है आराम से नॉर्मली आप जो पार्ट हटा सकते हैं, इसी जगह आप कोई भी पार्ट जो है इसमें एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए पार्ट जो पूरा जो हट चुका है यहाँ पे। अब जो ये तो हुआ जो किसी भी जैसे अनवांटेड पार्ट को आप जैसे हटाना चाहते हैं अपने पिक्चर से, तो दोस्तों ये तरीका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंड ट्रिक के। सेकेंड ट्रिक में दोस्तों कैसे आप बिना फोटोशॉप के और बिना दोस्तों आपके लैपटॉप पीसी की ज़रूरत के बिना ही आपका जो है कर सकते हैं अपना जो पासपोर्ट फोटो आप बना सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या, आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है कट आउट प्रो दोस्तों। कट आउट प्रो जैसे ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद मैं आपको कुछ फंक्शन इसमें दिखाऊंगा दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे जो आपको कर सकते हैं दोस्तों, आपका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इसमें। जैसे प्रोडक्ट में सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट में सेलेक्ट एयर रिमूवल में देखिए इसमें क्या क्या आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इमेज बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वीडियो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, रीटच रिमूव हो सकता है, फेस कट आउट हो सकता है, सिर्फ फेस पेज आपको कट करके दे देंगे दोस्तों। और AI स्टोर में देखिए फोटो एनहेंसर हो गया, ये AI वीडियो एनहेंसर हो गया, वीडियो कलराइज हो गया, ठीक है, फोटो एनिमर हो गया, फोटो कलर करेक्शन हो गया दोस्तों। ये काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। AI जनरेशन हो गया, बैकग्राउंड डिस्पेंशन हो गया, कार्टून सेल्फी हो गया आपको कार्टून सेल्फी, और ये आर्ट जनरेशन हो गया, आर्ट वाले जो फोटो आपको बन जाएंगे। हमें मैं आपको सिंपल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में हमको जैसे कि AI एडिटिंग में देखिए पासपोर्ट साइज़ हम जैसे फ़ोटो क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों हमें जो फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड कर देना है अपना। मैं दोस्तों सिंपली मेरा ये वाला फ़ोटो अपलोड करता हूँ यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यहाँ पर देखिए ये वाला फ़ोटो मैं अपलोड कर दूँगा यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में। अपलोड करने के बाद देखिए नीचे इसमें जो काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। सिंपली मैं जैसे हमने फोटो अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद ये देखिए दोस्तों कुछ ऐसे इस तरह का जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आपका जो बैकग्राउंड में कलर भी आप कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे फ़ोटो अभी दिख रहा है, देखिए दोस्तों मेरा जो फ़ोटो है इस तरह से आ गया दोस्तों, ठीक है। इसमें अच्छा खासा जैसे मेरा पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं था, अगर आपके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सही आएगा तो इसमें जो अच्छा खासा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसमें देखिए कलर भी आप कर सकते हैं बैकग्राउंड में, जैसे कि लाल करना है, ब्लू करना है दोस्तों, जैसे कोई से भी कलर आपको करना है तो इतना कर सकते हैं। अगर आपको कपड़े बनाने हैं तो कपड़े भी आप पहना सकते हैं, जो भी आपका जो फोटो की रिक्वायरमेंट होगा इस तरह के सब कपड़े पहना सकते हैं, ठीक है। और आपका जो फ़ोटो है यहाँ पे पेपर साइज़ करके आपको जितनी फ़ोटो चाहिए उतने आप फोटो, जैसे मैं A4 साइज़ करूँगा तो यहाँ पे देखिए कितने सारे फ़ोटो बन गए, टोटल फ़ोटो बन गया दोस्तों 1 2 3 4 5
एक दो तीन चार पाँच छः, छः पंजे 30 फोटो यहाँ पे दोस्तों टोटली मेरे बन चुके, एक बार में बन चुके हैं। यहाँ से मैं डन कर दूंगा। डन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं कंटिन्यू HD में अगर डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ जब PNG में डाउनलोड हो जाएगा, चाहे HD में करना तो JPG में भी हो जाएगा। और सिंपली दोस्तों यहाँ से आप जो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी देख सकते हैं मोबाइल में। अगर किसी के पास वाईफाई प्रिंटर होगा तो सिंपली वहाँ पर जाइए, अपने वाईफाई कनेक्ट कीजिए, ऐप डाउनलोड करके और उसमें प्रिंट दे दिए, तो आपका जो ये प्रिंट होकर आपका जो फोटो बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो आपको कितना काम का लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा लास्ट तक।